आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 24 सितंबर हो गई है और हमने देखा कि अभी भी जो मानसून है 5% ऊपर ही बना हुआ है। हालांकि मानसून की बारिश में थोड़ी सी कमी आई है और पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। मुंबई में काफी दिनों के बाद भारी बारिश देखने को मिली है और आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि यह पांचवा डिप्रेशन बन जाए, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ये डिप्रेशन बनेगा या वेल मार्क बनेगा। लेकिन हाँ, ये सशक्त होकर के ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इस तरफ ये आगे जब इस तरफ बढ़ेगा यहाँ पर आ जाएगा और ये महाराष्ट्र के आसपास जा करके थोड़ा सा और मध्य प्रदेश के आसपास जा करके वीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका जो रूट है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसके कारण बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। और अगर देखा जाए तो अभी तक अगर हम देखें तो बादल जो बने हुए हैं उन पर अगर नज़र डालें तो ये शाम के 4 बजे के आसपास की पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि पूरा जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और ये जो गुजरात के कुछ इलाके और पूरा जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में बादल छाए हुए हैं। आप देखेंगे ये लो प्रेशर एरिया का पोजीशन इस जगह पर है और ये धीरे धीरे इस तरह से जब आगे बढ़ेगा हो सकता है यहाँ पर डिप्रेशन बन जाए और इसके प्रभाव से जो बारिश होने वाली है। केवल आपको ये और बता दूं कि मानसून जो है वो अब पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के कुछ इलाके और सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के कुछ और इलाकों से यहाँ से पूरी जगह से विदा ले चुका है। तो अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां जहां से मानसून विदा हो चुका है उस सारी जगह को छोड़ करके पूरे भारत में आगे बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली में कल से बारिश हो सकती है, हल्की शुरू हो जाएगी और उसके बाद 27 और 28 तारीख को भारी बारिश यानी कि तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और अगर इस समय का जो देखें हम कि कितना मानसून है तो 5% है। अभी तक जो बारिश हुई है वो 880.8 मिलीमीटर हो गई है जबकि 832.2 मिलीमीटर होनी चाहिए। पहले ही मानसून सरप्लस हो चुका है, 868.6 मिलीमीटर पूरे मानसून में अब बारिश दर्ज की जाती है। और जो पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है उसमें देखिए गोपालपुर 98, होनावार 89, सोलापुर 82, बॉम्बे सांताक्रूज में काफ़ी दिनों के बाद 75 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अलीबाग है, उज्जैन, देरा, दहानू, कुरनूल, काकीनाड़ा, खांडवा, कुडप्पा, चेन्नई में भी काफ़ी दिनों के बाद फिर से बारिश हुई है 46 मिलीमीटर। तो कई इलाकों में दक्षिण भारत, तेलंगाना, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। अगर देखा जाए तो आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से, ये उज्जैन वगैरह ये सारे इलाकों में जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश है, ये मुंबई, थाने, दहानू, ये पूरे इलाकों में अच्छी बारिश है, ये इस जो मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तो इन सारे इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली है। और आप देखिए जो पूरा उत्तर पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत है और पूर्वी भारत, ये सारे इलाके उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की गतियाँ काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दी हैं। और अगर देखा जाए तो मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे ये जो अगर हम देखें ये 24 तारीख की बारिश की बात करते हैं तो बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेंगी और ये उत्तर प्रदेश और जो झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख होते होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ पहुंच जाएंगी। ये देखिए 25 तारीख का मॉडल है, इसमें आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, ये जितने भी इलाके हैं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और ये जो आपका गोरखपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी। और उसी तरह से जो कुरुक्षेत्र, करनाल है, जिंद है, रोहतक, ये जो इलाके हैं ये हरियाणा के, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे फिलहाल और पश्चिमी हरियाणा में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी जो पूरा राजस्थान है और कच्छ का इलाका है ये अभी फिलहाल सूखा रहने की संभावना दिखाई दे रही है 25 तारीख को भी। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ और 26 तारीख को बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर हम देखें तो 26 तारीख को आप देखिए कि पंजाब के कई इलाके और हरियाणा के इलाके कवर हो जाएंगे लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार की बात करें तो पूरा बिहार कवर हो जाएगा। बिहार में बहुत अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और बिहार में हम कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो सकती है। और अगर हम देखें तो बिहार में आप देखिए कि नेपाल की पहाड़ियों से लेकर के बिहार के ज़्यादातर इलाके जो हैं
वो बारिश देखने वाले हैं। इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी और ये जो झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश है और ये 3 से 4 दिनों के दौरान लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अब फसल कटाई पर है, सोयाबीन वगैरह की फसल कटाई पर है, तो 4-5 दिनों तक मध्य प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली है। उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गई है और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साबरकांठा, बनासकांठा, महेसाणा, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा और ये गोधरा और गांधीनगर और वेरावल, ये सारे इलाके जो हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग, सूरत, अमरेली, भरूच और राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये सारे इलाकों तक बारिश है। गिर सोमनाथ और वेरावल तक भी अच्छी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। यानी कि ये लास्ट स्पेल होगा, हैवी स्पेल होगा और एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति कुछ इलाकों में आ सकती है। लेकिन भुज और जो जो ऊपर के इलाके हैं, कच्छ के इलाके, वो लगभग सूखे रहेंगे और इसका असर जो है वो ये आपका देवभूमि द्वारिका और खंबालिया तक भी दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 26-27 तारीख को ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बांदा, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर और जयपुर तक भी पहुंच सकती है। इतनी ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे लगातार बारिश है, अच्छी बारिश है। मुंबई में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है, जल भराव हो सकता है और काफी ज्यादा नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। लेकिन ये 28 तारीख के बाद से जो मौसम है पूरे महाराष्ट्र का साफ होने लग जाएगा। मुंबई में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होगी, कोस्टल एरियाज में भी अच्छी बारिश होगी, तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश है, उसके बाद 28 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहां पर कम हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में भी 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां समाप्त होने की संभावना दिखाई दे, कम हो जाएंगी, समाप्त तो नहीं होंगी। और उसी तरह से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, इसमें भी 24 घंटों तक अच्छी बारिश है, उसके बाद यहां पर बारिश कम हो जाएगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये केवल पश्चिमी राजस्थान और जो कच्छ के कुछ इलाकों को छोड़ करके और पश्चिमी पंजाब को छोड़ करके पूरा भारत अगले 4-5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखेगा। ये है अभी तक का अपडेट स्काई मेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। सन से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।